स्टूडेंट कैसी चल रही है आपकी स्टडी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए? और उम्मीद है कि बहुत अच्छी तैयारी हो रही होगी। हार्ड वर्क करते जाइए, मेहनत आपको मिलेगी और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये मान के चलिए, ठीक है? तो आजकल हम इसी में आपको कुछ एमसीक्यूज हम देखते हैं। देखिए, कल मैं पाँच पाँच करके लेके आई थी, उससे पहले दस दस पंद्रह पंद्रह विथ आंसर दे रही थी। तो आप जो है जिस भी सब्जेक्ट का एमसीक्यूज चाहिए आपको, आप जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। तो आज फिर से हम देखेंगे कुछ MCQs, जो कि 10 MCQs लेके आई हूँ ऑफ सेंट गाइड से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लाइक नहीं करते हैं तो बच्चों लाइक तो करना चाहिए, उससे मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियो बनाने के लिए हम लोग मोटिवेट होते हैं, तो जिससे कि आपका फ़ायदा ही होता है, फ्रूटफुल रहते हैं आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिडक्शन इन द मोटिलिटी ऑफ स्पर्म इज नोन एज, यानी कि जब स्पर्म की जो मोटिलिटी होती है उसमें कमी आ जाती है, यानी कि यहाँ हिंदी में भी ये देख लीजिए, शुक्राणुओं की गतिविधि में कमी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? एस्पर्मिया कहा जाता है, या फिर एजोस्पर्मिया कहा जाता है, या फिर एस्थेनोस्पर्मिया कहा जाता है, या फिर टेटाटोजोस्पर्मिया कहा जाता है। तो इसका आंसर है सी, एस्थेनोस्पर्मिया, ठीक। देन आंसर सेकंड, द कंडीशन इन विच देर इज़ अ हाई नंबर ऑफ मॉर्फोलॉजिकली एबनॉर्मल स्पर्मेटोजोवा इन द स्पीसीमन इज नोन एज, वह स्थिति जिसमें वीर्य में रूपांतरक रूप से असामान्य शुक्राणुओं की संख्या अधिक होती है उसे कहा जाता है। यानी कि समझ पा रहे हैं आप, हिंदी भी बड़ी टफ हो जाती है। तो ये समझिए, जो सीमन होता है उसमें जब स्पर्मेटोजोवा होते हैं वो अपने बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल नंबर में ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, बहुत हाई नंबर में हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं एस्पर्मिया बोलते हैं, या फिर उसको बोलते हैं एजोस्पर्मिया, एस्थेनोस्पर्मिया, या फिर टेट्राटोजोस्पर्मिया। तो इसका आंसर है सी, टेट्राटोजोस्पर्मिया। देन थर्ड वन इज एब्सेंट ऑफ फ्रुक्टोज कंटेन इन द सीमन इंडिकेट, अगर सीमन में जो है फ्रुक्टोज का कंटेंट एब्सेंट है, नहीं है, तो बोलेंगे तो क्या होगा कि एब्सेंस ऑफ द वन टेस्टिस, क्यों है वो, क्योंकि एक टेस्टिस एब्सेंट है, नहीं है उसके पास मेल पर्सन के पास, या फिर कंजेनाइटल एब्सेंस ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, या फिर उसके पास जो है प्रोस्टेट ग्लैंड की पैदाइशी प्रोस्टेट ग्लैंड नहीं है, या फिर एब्सेंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, या फिर उसकी जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं बन पा रहे, या फिर कंजेनाइटल एब्सेंस ऑफ जो सेमिनल वेसिकल, उसके पास जो है जो सेमिनल वेसिकल है वो कंजाने पैदाइशी एब्सेंट है। तो इसका आंसर हो गया डी, कंजेनाइटल एब्सेंस ऑफ सेमिनल वेसिकल। देन फोर्थ, इन फॉलोइंग विच मेडिसन इज यूज टू ट्रीट इनफर्टिलिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज, ठीक है। अब इसमें बोला है कि जो ये दिए गए हैं इनमें से इन मेडिकेशन कौन सी ऐसी मेडिकेशन है जिसको इनफर्टिलिटी के लिए रेडी किया, मतलब ट्रीट किया जाता है, यूज़ किया जाता है, जब क्या होता है एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज प्रेजेंट है उसके अंदर, यानी कि एंटीबॉडीज एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज हैं जो कि उसको नुकसान पहुंचा सकती है एंटी ये जो स्पर्म है। तो इसके लिए आप कौन सी मेडिकेशन यूज करेंगे, तो GnRH थेरेपी करेंगे, GnRH थेरेपी, या फिर डेक्सोमिथाजोन, या फिर डेक्सोसाइलेकिन, या फिर क्लिमीफेन सिट्रेट, ठीक है। फिर उसके बाद देख लीजिए आप, GnRHS थेरेपी हो सकती है, डेक्सोमेथाजोन हो सकती है, या फिर डॉक्सीसाइक्लिन हो सकती है, या फिर क्लोमीफेन साइट्रेट हो सकती है। तो आंसर है इसका बी, डेक्सोमेथाजोन, ओके। देन फिफ्थ वन इज इन अ फीमेल विथ इनफर्टिलिटी विच ड्रग इज यूज इन इंडक्शन ऑफ ओवुलेशन, ठीक है। तो जो फीमेल हैं उनकी जो मतलब जो इनफर्टिलिटी वाली फीमेल हैं उनमें से कौन सी जो ड्रग होती है उनको दी जाती है, किसके लिए दी जाती है, ओवुलेशन को इंडक्शन करने, ओवुलेशन को प्रेरित करने के लिए या स्टिमुलेट करने के लिए, समझ सकते हैं आप। तो वो होती है क्लोमीफेन साइट्रेट हो सकती है, या FHS हो सकता है, या GnRH हो सकता है, या ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर है ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। देन सिक्स, इन फॉलोइंग विच इज़ द कॉमन ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूटियल फेस डिफेक्ट, ठीक है। तो जो ल्यूटियल फेस डिफेक्ट का लिए जो है इनमें से कौन सा ट्रीटमेंट कॉमन होता है, प्रोस्टाजन जो ये होता है, प्रोजेस्ट्रॉन थेरेपी हो सकती है, या फिर इस्ट्रोजन थेरेपी हो सकती है, या एंटीबायोटिक हो सकती है, या फिर डेक्सोमिथाजोन। तो आंसर है ए, प्रोजेस्ट्रॉन थेरेपी इज द करेक्ट आंसर। देन सेवन, फॉलोइंग आर द इंडिकेशन ऑफ इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन
इनसेमिनेशन एक्सेप्ट, यानी कि जो ये दिए गए हैं इंट्रायूटराइन जो इनसेमिनेशन होता है वो इसके लिए इंडिकेशन है, केवल एक को छोड़ के। ठीक है, तो किस में जो होता है इंट्रायूटराइन इनसेमिनेशन नहीं किया जाता है। इंट्रायूटराइन इनसेमिनेशन का मतलब समझ गए होंगे आप, जो सीमन होता है उसको आर्टिफिशियल तरीके से क्या किया जाता है, यूट्रस में उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सर्वाइकल स्टेनोसिस हो गया, और इसके बाद है हाइपोस्पिडियासिस, हाइपोस्पिडियास हो गया, या फिर एस्थेनोस्पर्मिया हो गया, या फिर हो गया रिकरेंट अबॉर्शन हो गया। तो डी आंसर इसका है, बार बार जब अबॉर्शन होते हैं तब उसमें ये जो इंट्रायूटराइन इनसेमिनेशन जो होता है वो इंडिकेशन होता है, मतलब ये नहीं किया जाता है। फॉलोइंग आर द इंडिकेशन ऑफ द इंट्रायूटराइन इनसेमिनेशन, कब किया जाता है, जब रिकरेंट अबॉर्शन होता है, तो ये इसका क्या है, इंडिकेशन है। ठीक है, संकेत है कहने का मतलब। देन है एर्थ, अमाउंट ऑफ वॉश्ड एंड कंसनट्रेटेड कंसनट्रेटेड स्पर्म दैट इज एडमिनिस्टर्ड इन टू द यूट्राइन कैविटी ड्यूरिंग आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन। ठीक है, यानी कि जो आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन के दौरान गर्भाशय गुहा में डाले जाने वाले धूले और सांद्रिक संक्रमणों की मात्रा, समझ गए आप, यानी कि कंसनट्रेटेड जो स्पर्म तैयार करे गए जो स्पर्म होते हैं उसको एडमिनिस्टर्ड किया जाता है यूट्राइन कैविटी में, कब क्या, आर्टिफिशियल तरीके से, तो उसको ड्यूरिंग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन तो कितना तक का किया जाता है, उसका अमाउंट क्या होता है, 1 ml होता है या 2 ml होता है या फिर 0.3 ml होता है या 0.1 ml, तो आंसर 3 वाला सही है, 0.3 ml तक का उसमें किया जाएगा। ठीक है, देन 9th, एट विच स्टेज ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवा इज ट्रांसफर्ड इन टू द यूट्राइन कैविटी ड्यूरिंग द विट्रो इन यूट्रो फर्टिलाइजेशन। विट्रो फर्टिलाइजेशन के दौरान जो ये जो फर्टिलाइज ओवा होता है वो कौन सी स्टेज में जो होता है वो ट्रांसफर होता किया जाता है, किसमें, यूट्राइन कैविटी में। देख लीजिए यहाँ पे, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के दौरान जो निषेचित अंडाणु को गर्भाशय गुहा में किस अवस्था में स्थानांतरित किया जाता है, यानी कि कौन सी स्टेज में, ठीक है, उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है यूट्राइन कैविटी में, तो 1-2 सेल स्टेज, या फिर 2-4 सेल स्टेज, या फिर 4-8 सेल स्टेज, या 16-24 सेल स्टेज। ये तो आपने देखा था ना, फर्स्ट यूनिट में ही आपने पढ़ा होगा। तो आंसर है सी, 1-8 सेल स्टेज। ठीक है, देन 10, हेल्थ हजार्ड ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी इंक्लूड, जो रिप्रोडक्टिव जो टेक्नोलॉजी होती है हेल्थ हजार्ड में, उसको जो रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी जो होती है वो उसके अंदर ये क्या क्या हो सकता है, जो कि आप रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के मतलब आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन करते हैं तो उसमें कौन कौन से प्रॉब्लम आ सकती हैं, कौन से हेल्थ हजार्ड हो सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल प्रेगनेंसी हो सकती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हो सकता है, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ आंसर है ऑल ऑफ द अबव, सभी कुछ हो सकता है। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। जो नए बच्चे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ये आपके लिए बहुत फ्रूटफुल चैनल है। इसमें वीडियो लेक्चर विथ हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ डाले जाते हैं, इसमें MCQs, पोस्ट सब कुछ आपको देखने को मिलेगा, जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, और एक लाइक तो बनता ही है जिसमें आपका नेट वेस्ट नहीं होता है। तो गुड बाय, टेक केयर।